हर एक इंसान को एक मंजिल की तलाश होती है, और जब हमारा हर एक कदम हमारी हर एक सांस के साथ एक ही सपना देखता है तो मंजिल मिल ही जाती है। केदार कंठा। बट आई होप कि अभी वेदर खराब ना हो और हम लोग अच्छे से सबमिट कर ले। सुबह का तकरीबन 3 बजे, केदार कंठा बेस कैंप। यार इस सुबह का इंतज़ार मैं उस दिन से कर रहा था जिस दिन मैं संकरी विलेज पहुंचा था। अगर आप लोगों ने संकरी से यहाँ तक की जर्नी नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके इस बात से अनजान कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कई नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस हमें मिलने वाला है, हम लोग सबमिट की तैयारी में जुट गए। सो गाइस, अभी अराउंड मॉर्निंग का 4 बजने वाला है और हम लोग बेस कैंप से निकल गए हैं। आई नो आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा सकता तो ज़रूर दिखाते हैं। वैसे केदार कंठा का पीक दिख रहा है, हम ऑलमोस्ट एक स्टीप पार करके आ गए हैं बेस कैंप से। बहुत अमेजिंग लग रहा है सीरियसली, जो स्टीप का थकान थी ना इसे देख के दूर हो गई है। और बिल्कुल डार्क है अभी, आई होप समिट तक पहुँच जाऊँ सनराइज़ से पहले। थोड़ा बहुत पानी पीने के लिए रुका था यहाँ पे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बेटर कि आप लोग अधिक से अधिक लेयर्स पहन के आए। मैंने तो नीचे 3 लेयर पहनी है, ऊपर 4 लेयर पहनी हुई है, और टोपी भी एक ऊन वाली टोपी, उसके ऊपर फिर अपना यह हुडी डाला हुआ है। सो इन सरसराती ठंडी हवाओं के साथ दिल में सिर्फ एक सपना लिए कि यार सनराइज देखना है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सो गाइस, वो ढाबा पार करके थोड़ी सी लाइट हो गई है, वो ग्लेशियर दिख रहा है पूरा। आई होप सनराइज से पहले पहुंच जाए, सनराइज होने में थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है। धीरे धीरे चढ़ाई के साथ साथ मेरी सांस भी बढ़ने लगी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझसे मेरी सारी एनर्जी छीन रहा है। सनराइज दिखे या ना दिखे, सबमिट इम्पोर्टेंट है। आई थिंक सनराइज नहीं हो पाएगा क्योंकि सनराइज होने लगा है, अभी तक सबमिट पहुंचने का टाइम है, और बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ क्योंकि पूरा का पूरा स्टीप है और स्नो है, पाँव भारी हो जा रहे हैं, ऊपर से गेटर्स और माइक्रो स्पाइक्स भी पहने हुए। फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटाई और हर कदम आगे बढ़ाता चला गया। सो गाइस, उम्मीद थोड़ी सी बची हुई है, कुछ ही मिनट बचे हुए हैं सनराइज होने में और समिट ऑलमोस्ट सामने है। हालांकि थोड़ी सी सन की पड़ने लगी है समिट पे। आई होप यार जैसे जैसे समिट नज़दीक दिखाई देने लगा, मानो मेरा मन हर कदम के साथ मेरे को ये बोलने लगा कि यार बस अब यहाँ से लौट चल। लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए छोटे छोटे स्टेप्स लिए और आगे बढ़ता चला गया। तभी अचानक से एक ऐसा मोमेंट आया कि स्टीप एकदम बढ़ गया और मेरे हाथ पांव ने एकदम हार मान ली, और न जाने कहीं से मेरे को एक एनर्जी सी आ गई और मैं जोर से चिल्लाने लगा। ये कम ऑन गाइस, सनराइज होने में 1-2 मिनट रह गए। We'll be right back.
हर एक इंसान को एक मंजिल की तलाश होती है, और जब हमारा हर एक कदम हमारी हर एक सांस के साथ एक ही सपना देखता है तो मंजिल मिल ही जाती है। तो गाइस, जिस घड़ी का इंतजार था फाइनली हम लोग समिट पे पहुंच गए। यहाँ पे एक अलग एक्साइटमेंट, पता नहीं एक्साइटमेंट है क्या है, एक अलग सा एक्सपीरियंस आ रहा है कि कैसे दोनों चढ़ चढ़ के फाइनली यहाँ के हर एक कदम के बाद ऐसा लग रहा था कि बस यार अब नहीं हो पाएगा, अब वापस चले जाना चाहिए। बट थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप और छोटी छोटी हिम्मत जुटाने के बाद बहुत तेज विंड चल रही है। आई गेस आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैं वॉइस ओवर डाल दूंगा अगर आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो बेसिकली मेन समिट है, उधर से व्यू पॉइंट भी है, आपको देखिए तुलसी जम गई हाथों की। कैसा था हिमाचल पहला था? सबसे पहले आ गया था भाई हमारा समिट पे, कहने के सब दिन बिल्कुल यार मेरा मन है अभी यहाँ चुपचाप बैठ जाओ, बस सब देखते रहो पहाड़ों को और कुछ मन नहीं करता। और उसके बाद हमने समिट में कुछ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। धूप आने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि अब हमें नीचे उतर जाना चाहिए। तो गाइस, ये सबमिट करने के लिए चढ़ना जितना कठिन होता है उतरना उतना ही मुश्किल। आप लोगों को इन्हीं सुंदर वादियों में छोड़ के मैं तो चला अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर।